स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक 86 से लेकर और 90 तक, और साथ में जो आकलन दिया गया आकलन नंबर 13 या 14 वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि इस कार्य पत्रक में आपका जो लर्निंग लेवल है वो क्लास 6-7 का, यानी क्लास 6-7 की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर सीखनी है। देखिए, दक्षता आपको दी गई 6 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना सके, पहला आपको करके दिया है। दूसरा आपको करना है, पर देखिए ये 2.5 है, ये 10,000, ये लाख, ये इकाई, ये हजार और ये सैकड़ा। तो इकाई से लिखना चालू करेंगे। इकाई क्या है? एक, उसके अंदर 2.5 आता है, 2.5 की जगह 2 लिख दीजिए। सैकड़ा 4 दिया हुआ, 4 लिख दीजिए। हजार की जगह क्या है? 5 है तो 5 लिख दिया। 10,000 की जगह 9 है तो यहाँ पर 9 आ गया, और लाख की जगह 7 आ गया। तो आपको संख्या बिल्कुल क्रम से लिखनी है। अगर कोई मान लो बीच में छोड़ा हुआ है तो आप छोड़ दीजिए उसको, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 0 लिख देंगे। यहाँ पर आपको इकाई की जगह 5 लिखना है। देखिए इकाई 5 है, उसके अंदर 2.5 आपको 7 दिया हुआ है, यहाँ पर ये 7 लिख दीजिए। उसके अंदर 1,000 आपको दिया हुआ है, फिर सैकड़ा आपको दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उसके अंदर 1,000 7 आ जाएगा, 10,000 की जगह 0 है, लाख की जगह 8 है। तो इस तरीके से आपको जो दिया गया है उसी हिसाब से आपको लिखना है। इकाई 2.5 सैकड़ों के हिसाब से आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, स्थानीय मान देखें और संख्या बनाएं। आपको सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको स्थानीय मान दिया दे रखा है, यहाँ पर इनको देख के संख्या बनानी है। तो इकाई क्या है? तो इकाई है यहाँ पर 7, तो 7 लिख दीजिए सबसे पहले। 2.5 क्या है? 2.5 एक है तो 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर इसमें हमें सैकड़ा नहीं दिया हुआ, तो सैकड़ा की जगह हम क्या लिखेंगे? 0। आपको छोड़ना नहीं है, सैकड़ा लिखना जरूरी है। उसके अंदर 1,000 की जगह हमें दे रखा है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 10,000 की जगह क्या है? 2 है तो 2 आ जाएगा, लाख की जगह 6 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है। यहाँ पर देखिए इकाई 2 है तो पहले आप 2 लिख दीजिए, 2.5 7 है तो 7 लिख दीजिए, सैकड़ा 9 है तो 9 लिख दीजिए, 1,000 की जगह 5 है, 10,000 की जगह 3 है, तो 35,972 हो जाएगा। ऐसे आपको ये वाला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, तो देखिए बिल्कुल अगर आप सीधा जोड़ के करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, तो आप इनको लिख के जोड़ लीजिए। देखो एक मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला बता देता हूँ। इसमें देखिए 9 लाख है सबसे ऊपर, तो पहले आप इसको लिखिए, 100 को लिखिए। यहाँ पर बिल्कुल संख्याओं को ऊपर नीचे एकदम ध्यान से रखिए, यहाँ पर 100 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 लाख है तो यहाँ पर पीछे से लिखना शुरू करें, यहाँ से इकाई से 3, 5, 0 है तो 5, 0 और यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके अंदर 3 है तो 3 लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके अंदर 70,000 है तो 70,000 भी यहाँ से लिखेंगे हम, इस तरीके से लिख के और इनको जोड़ेंगे। तो ये क्या आ गया? 3 आ गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 9,70,103। तो बिल्कुल इस तरीके से आप लिख के जोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इन सबको आप आराम से जोड़ सकते हैं जैसे मैंने जोड़ के यहाँ पर आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट कार्य पत्रक है, 6 अंकीय संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखना। तो आप जानते हो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी है, बाद में बड़ी संख्या लिखनी है। अवरोही होता है उल्टा, सबसे पहले आपको अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं? घटता क्रम बोलते हैं, यानी पहले बड़ी लिखी जाएगी बाद में छोटी लिखी जाएगी। आरोही में पहले छोटी लिखी जाती है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है इनमें आप देख लीजिए सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है 8,70,090, तो पहले नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद 8,70,209 उससे बड़ी हो गई, फिर 8,70,543, 8,70,545, 8,70,909। ऐसे आपको दूसरा करना है, 2,50,402 पहले आएगा, फिर 403, फिर 405, फिर 501, 505, बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसे आपको तीसरा दिया गया तो पहले आ जाएगा 3,12,300, और उसके अंदर 3,12,301, 3,12,302, 3,13,202, 32,10,300। ये बिल्कुल सिंपल सा आप कर सकते हैं। ऐसे आपका अवरोही क्रम लिखना है, तो जैसा आरोही है उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? अवरोही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी है यहाँ पर 6,10,249, तो पहले आ जाएगा 6,10,249। सेकेंड नंबर पे आपकी ये 6,10,247, उससे छोटी है तो 6,10,247। थर्ड पे आ जाएगी 6,10,241, 6,10,241। फोर पे आ जाएगी आपकी 6,10,240 है, और उसके अंदर 6,10,204 है। तो इस तरीके से आप इन संख्याओं को लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 3 नंबर का, खाली स्थान में आपको छोटे बड़े का निशान लगाना है। तो 3,69,99,69, इसमें 6,49,732, तो बड़ी कौन सी? 6,49,000। यहाँ पर 8,28,000 बड़ी है, यहाँ पर 7,46,099 बड़ी है, और यहाँ पर 3,99,069 बड़ा है।
नेक्स्ट आपको बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 7,67,496 और यहाँ पर बड़ी संख्या 9,77,079। इसमें आपको छोटी संख्या पर गोला लगाना है, तो ये 7,15,432 है इसमें छोटी, और इसमें 4,67,585। नेक्स्ट कार्यपत्रक हम देखें तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि माइनस में जो आपको दिखता है ना बड़ा नंबर, वो बड़ा नहीं होता। जैसे मैं लिखूं माइनस का 2 और माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 5 छोटा है, बड़ा कौन है, माइनस का 2 है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या है, तो बीच में आ जाएंगी -879, -880, -881, -882, -883 और -884। अगला -878 और -885 में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो छोटी है। यहाँ पर देखो अभी बताया ना आपको, यहाँ पर जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी नहीं होती, वो क्या होती है, छोटी होती है माइनस में। तो -885 छोटा है, बड़ा क्या है यहाँ पर -878। अगला -878 में 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो देखिए -878 में हमने 5 जोड़ दिया, तो देखिए ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर, तो जोड़ेंगे नहीं। 878 में 5 घटाएंगे, 873 बचेगा निशान, यहाँ पर बड़ी संख्या ये 878 का निशान आ जाएगा, यहाँ पर 873 आ जाएगा। अगला है 0 से 35 डिग्री का नीचे है तो उसको माइनस में दिखाएंगे, 0 से 37 डिग्री नीचे माइनस में 37 डिग्री हो जाएगा, 0 से 60 डिग्री ऊपर तो प्लस का 7, 0 से 40 डिग्री ऊपर प्लस का 40, 0 से 30 डिग्री ऊपर प्लस का 30। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो सबसे कम है वो ठंडा होगा, तो सबसे कम कौन सा है यहाँ पर माइनस का 37 डिग्री, यानी शिमला सबसे ठंडा है। सबसे गर्म जो सबसे ज्यादा है तो क्या है, जयपुर, तो जयपुर यहाँ पर सबसे गर्म है। अगला है आपको आरोह क्रम में दिखाना है, तो आरोह क्रम आपको अभी बताया, सबसे पहले क्या आती है, सबसे छोटी संख्या आती है, आरोह में क्या आती है, छोटी संख्या आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटी क्या होगी, माइनस का 435 आएगा क्योंकि माइनस में है तो छोटा होगा, उसके बाद 240 आ जाएगा माइनस का, उसके बाद छोटा है 95, उसके बाद 425 और उसके बाद 891। यहाँ पर सबसे छोटी है माइनस का 4,444, माइनस का 2,222, उसके बाद 0, उसके बाद 333, उसके बाद 1,111। इसमें आपको आरोही क्रम में दिखाना, तो बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ी क्या है यहाँ पर, तो बिल्कुल ध्यान से देख के करें आप, 54 डिग्री यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद माइनस का 2 आएगा, उसके बाद -13 आएगा, फिर -57, फिर -100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्न कथनों के लिए सत्य है, सत्य बताइए, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, ये सत्य है, शून्य ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ये असत्य है। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट कार्यपत्रक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आकलन दिया गया, आकलन नंबर 13, स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाइए, तो जैसा हमने कार्यपत्रक में किया वैसे ही बनाना आपको। इकाई से हम लिखना शुरू करेंगे, तो देखिए इसमें लिखते हैं सबसे पहले इकाई क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। दहाई क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। और सैकड़ा क्या, 8 है, तो 8 लिख दिया। फिर हजार की जगह 43 दिया गया, तो 43 लिख दिया। उसके बाद लाख की जगह 3 है, तो 3 लिख दिया। ऐसे इसको बताना है। इकाई क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया। दहाई 2 है, सॉरी दहाई भी 5 है, तो 5 लिख दिया। अब सैकड़ा इसमें नहीं दिया हुआ, तो आपको लिखना है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हजार की जगह 29 है और लाख की जगह 2 है। ऐसे आपको ये करना है, ऐसे आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा हमने पहले किया है आरोह क्रम में लिखना, तो आरोह क्रम में आप आराम से लिख सकते हैं उनको, जैसे नंबरिंग लगाई हुई है, एक नंबर पे आएगा ये, दो नंबर पे ये, तीन नंबर पे ये, चार पे ये, पांच पे, ऐसे आपको ये करना है, ऐसे आपको ये करना है। नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या पर गोला लगाएं, तो यहाँ पर बड़ी है 9,64,409, यहाँ पर बड़ी है 9,77,079। इसमें आपको सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है, तो 7,07,806, 2,78,698। नेक्स्ट, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, 54 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2, ये हमने क्वेश्चन पहले कर लिया है। उसके बाद माइनस का 15, -87 और -100। यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी है 711, उसके बाद 171, उसके बाद 117, उसके बाद 121 और उसके बाद माइनस का 171। तो ये थे अपने कार्यपत्रक और आकलन नंबर 13। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट आकलन और नेक्स्ट कार्यपत्रक देखेंगे, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।